हेलो एवरीवन। सो बच्चों, 2025 में होने वाले सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड परीक्षा के लिए इस वीडियो में मैं तुमको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का बिल्कुल ऑफिशियल पेपर बताने वाला हूँ। इसी के अकॉर्डिंग ही तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, एंड इस क्वेश्चंस की तुम्हें तैयारी करने की भी ज़रूरत है, तो इन सभी क्वेश्चंस की तैयारी कर लेना। इसका अभी मैं तुमको आंसर की नहीं बताऊँगा, आंसर की के लिए डिस्क्रिप्शन पर मैं तुमको दूसरा लिंक दे दूँगा, उसको देख लेना, या कमेंट में भी मैं पिन कर दूँगा जैसे इसकी सॉल्यूशंस मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो फिलहाल मैं तुमको ये बताने वाला हूँ कि जो तुम्हारा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, इसकी जो पेपर रहेगी वो तुम्हारी किस प्रकार से रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं तुमको बताऊँ तो तुम्हारी जो 2025 के स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशंस होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो टोटल रहेगा वो रहेगा 38। टोटल 38 क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, तुम्हारी जो मैथमेटिक्स रहेगी ना स्टैंडर्ड की, ये तुम्हारा 5 सेक्शंस में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ए बी सी डी ई करके 5 सेक्शंस में क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 1 से 18 तक में सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में रहेंगे, यानी 4 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो रहेगा वो एसर्शन रीजन का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मतलब 20 क्वेश्चन ये समझ सकते हो कि तुम्हारे MCQ में शुरुआत का पूछा जाएगा। इसके बाद जो सेक्शन बी का क्वेश्चन रहेगा 21 से 25 तक, तो इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड इसमें तुमको हर क्वेश्चंस के 2 नंबर मिलेंगे। सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस रहेंगे 26 से 31 नंबर तक, तो ये शॉर्ट आंसर टाइप वाला क्वेश्चन रहेगा, एंड इसमें तुमको हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन डी के जो क्वेश्चंस रहेंगे ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेगा, एंड तुमको इसके लिए हर क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एंड सेक्शन ई का जो क्वेश्चन रहेगा वो एक केज स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, और इसमें तुमको हर क्वेश्चंस के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एंड इसका जो क्वेश्चन डिवाइडेड रहेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में, फिर अगला क्वेश्चन 1 मार्क्स में, एंड एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा जो सब पार्ट्स है वो डिवाइडेड रहेगा केज स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में। एंड अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर तुम्हारा दिया गया है, दिया जाएगा तुम्हारे एग्जामिनेशंस में, तो एक तो तुम्हारे सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, ये दिया हुआ रहेगा, एंड दिया गया है इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। सेक्शन बी में तुमको 2 इंटरनल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 2 इंटरनल क्वेश्चंस मिलेंगे। सेक्शन बी में तुमको 2 इंटरनल क्वेश्चन मिलेंगे। वहीं सेक्शन सी में भी 2 क्वेश्चन इंटरनल मिलेगा, सेक्शन डी में भी 2 क्वेश्चन इंटरनल मिलेगा, मतलब और करके क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक तुमको बनाना रहेगा। तो चलो, अब मैं तुमको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में रहेंगे। हालांकि मैंने जैसे शुरू में ही तुमको बोला, अभी मैं तुमको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, कंप्लीट सॉल्यूशन तुमको दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, जैसे ये वीडियो बन जाती है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों में पिन कर दूंगा, एक बार जाके देख लेना। मैं फिलहाल तुमको इस स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पेपर का पेपर एनालिसिस करके तुमको बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसा दिया गया है एंड कैसा तुम्हारे 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। देखो, सबसे पहला अगर तुम क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पूछा गया है, लेकिन हाँ, इन कंपैरिजन टू बेसिक, ये उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है बेसिक से थोड़ा सा हाई इसमें किया गया है। बहुत ज़्यादा हाई हम नहीं कह सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन तुमको तुम ईजिली बना सकते हो। सिंपली इसमें तुमको बताना है कि जीरोज इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल PX का जीरोज क्या होगा। तो इसके लिए बहुत ही आसान है, तुम देखो ये एक्स एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट लाइज करेगा, ये वाई एक्सिस पे लाइज करेगा, तो ये तो जीरो नहीं बनेगा, ये पॉइंट तो क्वाड्रेंट में आएगा तो ये भी नहीं होगा, ये एक्स एक्सिस पे लाइज करेगा, तो जो जीरो होगा वो कितना होगा, -6 और 6। ठीक है, तो ये तुम्हारा राइट आंसर होगा -6 और 6, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से जो सॉल्यूशंस है वो बहुत ही ईजिली हम किसी भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा है। अब इसी क्वेश्चन को देखो तो इसमें तो ज़्यादा कुछ घुमाया भी नहीं है, सिंपली इसमें हमें के की यहाँ पे भी जो वैल्यू है ये हमें फाइंड करनी है, जो के है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसका कंडीशन क्या दिया गया है कि ये इनकन्सिस्टेंट है, एंड इनकन्सिस्टेंट के लिए तुम्हें कंडीशन पता होगा कि A1 by A2 इक्वल टू होता है B1 by B2 के, एंड B1 by B2 के, ठीक है, 1 है, इज नॉट इक्वल टू होता है C1 by C2 के।
तो बस ये कंडीशन है, इस कंडीशन को लेके सॉल्व करोगे तो के का वैल्यू तुम इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है। मैं तुमको यहाँ पे मैंने बार बार जैसे तुम्हें कह रहा हूँ सॉल्यूशन डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, डिटेल वाली सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट में पिन कर दूंगा, अगर तुमको देखनी होगी तो दे जाके देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ एनालिसिस करके बता रहा हूँ, तुमको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि किस किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन तुम्हारे 2025 बोर्ड परीक्षा मैथमेटिक्स में रहेंगे। या फिर तुम इस क्वेश्चन को भी देखो तो ये भी बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, जो तुमको सही नहीं है वो बताना है। चाहे इस क्वेश्चन को भी ले लो, ये भी बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादा क्वेश्चन को घुमाया फिराया नहीं है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन लो ना तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को घुमाया नहीं है, सिंपली जो है क्वेश्चन को पूछा गया है। बहुत ईजिली जो है इन क्वेश्चन को तुम बना सकते हो, ठीक है। इसमें सिंपली देखो हमको अपर लिमिट पूछा है मीडियन क्लास का, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पता ही होगा कि क्या होता है, अगर तुमने अगर पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स तो ये तुमको पता होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, ये हार्ड बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है। हाँ ये तुम कह सकते हो कि बेसिक के कंपैरिजन में ये क्वेश्चन जो है थोड़े से उसके लेवल से थोड़े से हाई है, लेकिन अगर तुम देखो तो अगर तुमने मैथमेटिक्स का तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम क्वेश्चन को भाई इजिली कर सकते हो। देखो क्वेश्चन कितना इजी पूछा गया है, HCF और LCM सिंपली हमें इसकी फाइंड करने के लिए बोला गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो है भाई क्वेश्चन आसान है, बहुत ज़्यादा मैं जैसे कि बार बार कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं दिया गया है, एंड तुम्हारी 2025 की जो बोर्ड परीक्षा होगी इसी के अकॉर्डिंग ही होगी। अब तुम जाओ तो इस क्वेश्चन को भी देख लो, वर्ड प्रॉब्लम में भी ये क्वेश्चन है, एंड मैंने तुमको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो NCERT सॉल्यूशन से भी टिक करवाई हुई है, एंड जो जो टिक करवाया हुआ है वही सब क्वेश्चन तुम्हारा इसमें दिया गया है, ठीक है, जो भी तुम्हारे 2025 के बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो अगर तुमको जानने होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे NCERT किताब से आएंगे तो इस वीडियो को जाके देख लेना, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। NCERT से हमने चैप्टर वाइज टिक भी करवा दिया है जो जो तुम्हारे पेपर में आने वाला है, ठीक है, इस वीडियो को जाके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन तुम देख रहे हो तो देख लो क्वेश्चन उतने हाई लेवल का नहीं है, एंड इस तरह का क्वेश्चन मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि परीक्षा में आता ही है, देखो यहाँ पर भी आया हुआ है, ठीक है। इसमें तुमको 3 मार्क्स गारंटी मिलने वाला है, ठीक है, ये परीक्षा में आता ही है। इसके बाद ये भी मैंने तुमको NCERT से टिक करवाया था कि ग्राफिकली सॉल्व करो, ठीक है, ग्राफिकली इस तरह से सॉल्व करने के लिए आता है। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन भी तुमको NCERT से टिक करवाया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तुमको हमने बताया हुआ है। सर्किल से हमने ये क्वेश्चंस भी करवाए हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं ना सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस तो मैंने तुमको यहाँ पे दिखा दिए हैं, बाकी जैसे कि मैं कह रहा हूँ इसका सॉल्यूशंस डिटेल सॉल्यूशन तुमको अगले वीडियो में मिलेगा, और अगर वीडियो बन जाती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैं दे दूँगा, ठीक है, जाके देख लेना अगर हो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, थैंक यू, बाय बाय।